गोस्वामी तुलसीदास जी ने विद्रोह किया। आजकल छोटी छोटी बात पर लोग समझौता कर लेते हैं। अकबर जैसा खूंखार शासक गोस्वामी जी का जेल ले जाओ, पर मैं राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं सोचूंगा। एक मैं गोस्वामी जी की पीड़ा का एक छंद पढ़ रहा हूं, कितनी उनको पीड़ा थी। रामचंद्रदास देखो, गोस्वामी जी कहते हैं, खेती में किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन सब सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एक नसो कहां जाई का करी, वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, साकरे समय पे राम राम रे कृपा करी, अरे दारिद दशानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब बता, इतना कोई राशि चिंतन कभी कोई हुआ क्या? कोई बता दे, अकबर किसी में किसी को बोलने का सामर्थ्य था क्या? क्या हो रहा है? किसान को खेती नहीं, भिखारी को भिक्षा नहीं, बड़ी को व्यापार नहीं, नौकर को नौकरी नहीं, किसी को जीविका नहीं हो रही है, सब सिद्धिमान है, दुखी है। संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी में बोला कहें एक एक कहां जाई का करी भैया, कहां जाई का करी कर, नौकरी बा का। वेद पुराण भी कह रहे हैं, लोक में भी हम देख रहे हैं, साकरे समय पे राम रावरी कृपा करी, आपने सब पर कृपा की है, दारिद्र दशानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। दारिद्र रूप रावण ने इस पृथ्वी को दबा डाला है, पूरी पृथ्वी दारिद्र से दुखी है, इस कष्ट को देखकर तुझे हाहा कर रहे हैं भगवान। भगवान राम रंग रक्षा कीजिए। तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की कि राम जी ही मंगल के भवन है, राम जी का स्वभाव ही अमंगल को हरने वाला है। तब कहा मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशर अजीर बिहार, द्रव सुदशरथ अजीर बिहार, सुदशरथ। और फिर क्या करना? ब्राह्मण ने प्रारंभ किया लिखना, वर्णा नाम अर्थ संग्रह नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकर्तारो बंदे वाणी विनायक, पूरा पूरा राष्ट्र का चिंतन लिख दिया। अब आंख न हो तो क्या करें?